दर्शकों को स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। घर अब देखते दिनभर की खास खबर। मूसलाधार बारिश ने विदिशा को लिया अपने आगोश में। शहर हुआ पानी पानी, मानव जीवन हुआ अस्त व्यस्त। बढ़ सकती है लोगों की मुश्किलें। लगातार बरसात से बेतवा ने लिया विकराल रूप। वहीं विदिशा की आवाम के रोंगटे हुए खड़े। बारिश ने मचाया कोहराम। और शहर की पाश कॉलोनी इंदिरा कॉम्प्लेक्स सहित नगर की हर घर और गली में पानी से आवाम है हैरान परेशान। लोगों की बड़ी मुश्किल है। अब खबर विस्तार से। दो दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने विदिशा सहित सभी स्थानों पर कोहराम मचा दिया। मानव जीवन बारिश के चलते हैरान हो गया है। शहर की पॉश कॉलोनी इंदिरा कॉम्प्लेक्स के घरों में पानी भरा जाने से लोगों का जीवन कष्टप्रद होने से उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं। घर में रखी गृह उपयोगी सामग्री बर्बाद हो गई। रात कुछ जगहों पर लोगों को अपने ही घरों में जाग कर काटनी पड़ी और दिन में तो लोगों को घरों में चुपचाप घर का सामान बर्बाद होते देखना पड़ा। तूफानी बारिश ने ठंडी हवा के साथ मानव जीवन को हिलाकर रख दिया। लोगों को अपने ही घरों में छुपने की जगह तक नसीब नहीं हो पाई। फिलहाल हो रही मूसलाधार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। शहर के अंदर के रास्ते चारों ओर से बंद हो गए हैं। इंदिरा कॉम्प्लेक्स और रेलवे अंडरब्रिज पूरी तरह पानी की चपेट में है। सौठिया मार्ग पूरी तरह बंद है। नगर में कई स्थानों पर बाढ़ का पानी भरा होने से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। लगातार हो रही बरसात को देखते हुए कहा जा सकता है कि बारिश के कोहराम को इंद्रदेव की कृपा माने या नाराजगी, फिलहाल बारिश ने मानव जीवन को हिला कर रख दिया है। हो रही हो बीपी नहीं नहीं निकाल निकाल के जो आने पड़े सब।
कृष्ण गोपाल नाम है, इंदिरा कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ। ये आटा चक्की है तो यहाँ पे पूरा पानी भर गया है, आटा माटा सब गीला हो गया है, बहुत नुकसान हो गया है, चक्की सब डूब गई है। कनेक्शन कटवा दिया नहीं तो पता लगेगा ने? कनेक्शन कटवा दिया? हाँ अभी तो हटवा दिया। सभी घरों में होगा? हाँ सभी घर में। विदिशा की बेतवा को बारिश के पानी ने अपने आगोश में ले लिया है। बेतवा विकराल रौद्र रूप धारण कर रही है। पानी लगातार बेतवा में बढ़ता ही जा रहा है, वो खतरे के निशान से ऊपर बेतवा जा रही है। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने सभी से बारिश के संकट में सावधान रहने की अपील की है और कहा कि लोगों को एक दूसरे की मदद करना है, बारिश से पीड़ित लोगों को सहारा देना है। मेरा विदिशा जिले के निवासियों से अनुरोध है कि भोपाल से कलियासोत, बड़ा तालाब, जितने भी डैम हैं सभी से बहुत अधिक मात्रा में पानी छोड़ा गया है। इस कारण बेतवा नदी में अत्यधिक बाढ़ आ गई है। बेतवा नदी खतरे के निशान को छूने वाली है। इसके साथ ही संजय सागर बांध के भी 10 गेट खोले गए हैं, सगड़ के भी खोले गए हैं। पूरे जिले में बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो रही है। कृपया यदि आपके गाँव में या आपके घरों में कहीं पानी भरने की नौबत आती है तो आपसे अनुरोध है कि आपके अपने गांव में ही कहीं स्कूल या कहीं ऊंचे स्थानों पर अवश्य चले जाएं। अपने सामान को घर में ऊंचे स्थान पर रखने तक सामान खराब नहीं हो पाए। आपकी और आपके मवेशियों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि गांव में ही जहां पर ऊंचे स्थान है कृपया उन ऊंचे स्थानों पर या कोई बड़ा घर हो उनके यहाँ आप जरूर शरण ले लें और प्रशासन को सूचित करें। मेरा विदिशा जिले के निवासियों से अनुरोध है कि भोपाल से कलियासोत, बड़ा तालाब, जितने भी डैम हैं सभी से बहुत अधिक मात्रा में पानी छोड़ा गया है। इस कारण बेतवा नदी में अत्यधिक बाढ़ आ गई है। बेतवा नदी खतरे के निशान को छूने वाली है। इसके साथ ही संजय सागर बांध के भी 10 गेट खोले गए हैं, सगड़ के भी खोले गए हैं। पूरे जिले में बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो रही है। कृपया यदि आपके गाँव में या आपके घरों में कहीं पानी भरने की नौबत आती है तो आपसे अनुरोध है कि आपके अपने गाँव में ही कहीं स्कूल या कहीं ऊंचे स्थानों पर अवश्य चले जाएं। अपने सामान को घर में ऊंचे स्थान पर रखने तक सामान खराब नहीं हो पाए। आपकी और आपके मवेशियों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि गाँव में ही जहाँ पर ऊँचे स्थान है कृपया उन ऊँचे स्थानों पर या कोई बड़ा घर हो उनके यहाँ आप जरूर शरण ले लें और प्रशासन को सूचित करें। नगर पालिका के ठीक सामने तेज हवा और मूसलाधार बारिश के कारण पुराना वृक्ष गिर जाने से आवागमन बंद हुआ और सड़क पर पानी ही पानी भरा होने से लोगों को आवाजाही में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जहां देखो वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है।
अरे बेटा यहाँ रास्ता फेर गिर जाएगा तो क्या कर लोगे? तुम्हारे कहने थोड़ी गति हो जाएगा। अरे इधर से घूम के जाओ, पेट्रोल निकाल लोगे यहाँ पेट्रोल। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्रांगण में बरसात का पानी का भराव हो जाने से शिक्षकों सहित स्कूल प्रबंधन की परेशानियां बढ़ती हुई देखी गई। प्रशासन द्वारा समय रहते स्कूल बंद किए जाने से विद्यार्थी स्कूल नहीं पहुंचे, वरना और भी मुश्किलें विद्यार्थियों की बढ़ जाती। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय विदिशा, यहाँ पर पानी भरा हुआ है और कलेक्टर महोदय द्वारा छात्रों का अवकाश घोषित किया है। हम टीचर सब उपस्थित हैं, स्कूल का कार्य संपादित करेंगे। पूरा शहर बारिश के पानी की चपेट में आ गया है और लगातार हो रही बरसात से लोगों की मुश्किलों में इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। शहर में चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग बारिश के डर से अपने ही घरों में ही दुबके हैं। इक्का दुक्का लोग ही जरूरी काम से बाहर निकले। वहीं देखा गया कि प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार सरोज अग्निवंशी लोगों की मदद के लिए शहर में कई जगह पहुंची और कई जगहों पर भोजन के पैकेट का वितरण भी किया गया। आज खबरों को देते ही प्रोग्राम आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संयम टी न्यूज। हमें दीजिए इजाजत।